on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. GIT की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी कंप्यूटर फंडामेंटल की एक सीरीज पढ़ रहे हैं, सिलेबस को एक क्रम से पढ़ रहे हैं, और आज के क्रम में हम लोगों को सीखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ट्रिपल सी के कोर्स में हैं, डीएफए के कोर्स के हैं या डीसीए के कोर्स के हैं, तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। देखिए, बेसिकली कंप्यूटर को तीन कैटेगरीज से डिवाइड किया जाता है। एक है बेसिस ऑफ पर्पज, दूसरा है बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज, और तीसरा है बेसिस ऑफ साइज एज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर का डिवाइडेशन होता है, जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें तीन आधार बनाए गए हैं। एक तो उसका पर्पज क्या है, कंप्यूटर किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए। दूसरा, कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जा रही है उसके लिए। और तीसरा, कंप्यूटर की साइज और कैपेसिटी कैसी है इसके लिए। ठीक, तो अगर पर्पज के हिसाब से समझा जाए तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और एक स्पेशल पर्पज। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कंप्यूटर को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो जनरल पर्पज का मतलब सामान्य उद्देश्य, जनरल का मतलब सामान, पर्पज का मतलब उद्देश्य, यानी कोई सामान्य पर्पज के लिए अगर किसी कंप्यूटर को बनाया जाता है तो हमारा कहलाता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक, इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जितने भी आप घरेलू कंप्यूटर देखेंगे, जहां पर आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ डाटा तैयार कर रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं, जो भी लैपटॉप वगैरह हैं, जो भी कंप्यूटर आप आसपास देखते हैं, सब एक प्रकार से जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं, जिनका उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के लिए किया गया, इससे आप सारे काम कर सकते हैं। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, सॉरी, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में बड़े बड़े कंप्यूटर को रखा गया है जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, इसको डिजाइन किया गया है कि मौसम की जानकारी के लिए कुछ बनाया गया है, रक्षा प्रतिरक्षा क्षेत्र में जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए, उसी पर्पज से डिजाइन किया गया है, तो वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, तो जनरल पर्पज में वो सारे कंप्यूटर हैं जो एक आम उद्देश्य के लिए बनाए गए, स्पेशल पर्पज मतलब उनका एक विशेष उद्देश्य होता है उनको बनाने के लिए। बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज के आधार पर कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजीज के आधार पर हमारे जो कंप्यूटर हैं, एक तो एनालॉग कंप्यूटर है सबसे पहला चीज, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हाइब्रिड। ठीक, बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी के अनुसार कौन कौन से हैं, एक तो सुपर कंप्यूटर है, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फिर मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जब क्लासिफिकेशन होगा तो मेजर रूप से तीन चीजें पहले ध्यान में होनी चाहिए, कि पर्पज के हिसाब से क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, टेक्नोलॉजीज के आधार पूछ रहा है, या साइज के आधार पूछ रहा है। ठीक, अगर पर्पज के आधार पर पूछ रहा है तो आप लिखेंगे कि हमारा जो है कंप्यूटर दो प्रकार का है, एक जनरल पर्पज और दूसरा स्पेशल पर्पज। अगर टेक्नोलॉजीज के आधार पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। अगर साइज और उसकी कैपेसिटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन का मेन पार्ट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इस डायग्राम को अपनी कॉपी पर आप लोग बना लेंगे जिससे चीजें याद रहेंगे आप। बाकी बुक्स में ये सारी चीजें दे रखी हैं, आप एक बार वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों को फंडामेंटल का कुछ नोट्स भी दिया गया था, अभी वो पूरा नोट्स नहीं था, जितने पेजेस प्रिपेयर किए गए थे वो सारे पेजेस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो नोट समझ में आया होगा, आप लोग उस नोट से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय
लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करें। आप लोग पास जो भी माध्यम है, अगर ऑनलाइन माध्यम हो रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई करें, वीडियो से समझ में आता है तो आप वीडियो से पढ़ें, वीडियोज और वीडियो चाहिए तो बताइए, हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। नोट्स के साथ आपको पढ़ना अच्छा लगता है, नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, बुक्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ है। तो जो टेक्निक आपको समझ में आ रही है, जिस टेक्निक से आपकी पढ़ाई हो सकती है, वो सारी टेक्निक हम लोगों के पास उपलब्ध है, बस आप लोग पढ़ाई करें। इसीलिए भी फंडामेंटल के टॉपिक स्टार्ट किए गए हैं, जिससे सारे बच्चों को समझ में भी आए और सबका एक फाउंडेशन बेस स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल के प्रैक्टिकल के लिए अभी किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, अभी सारा थियोरी का लेसन ही चल रहा है। तो चलिए अब आगे हम इन लोगों के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि जनरल पर्पज क्या है, स्पेशल पर्पज क्या है, एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड। इसके लिए मैं ले चलता हूँ एक प्रेजेंटेशन पर आप लोगों को, वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप आसानी से चीजों को समझ जाएं। अब देखिए स्पेशल पर्पस कौन से हैं और जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन कौन से, देखिए ध्यान समझिएगा एक एक चीजों को, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है, यानी जिस काम के लिए उसको बनाया गया ना, उसी काम के अनुसार उसके सीपीयू को भी उसमें लगाया जाता है। जिन जिनके लिए नहीं तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, यानी अंतरिक्ष में जो भी खोज हो रहा है तो उस खोज के अनुसार उसकी कैपेसिटी के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। मौसम विज्ञान, मौसम की जानकारी के लिए, उपग्रह संचालन के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, अनुसंधान एवं शोध, यात्रा सॉरी यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान और चिकित्सा, सबके लिए अलग 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 विशेष प्रकार के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। अब जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से हैं? जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से हैं? जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जाए। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, इसमें सीपीयू की क्षमता और कीमत कम होती है। जनरल पर्पज कंप्यूटर में बहुत हैवी सीपीयू नहीं लगाए जाते हैं, उस उतने लगाए जाते हैं जिससे आपका डेली रूटीन के सारे वर्क आपके हो सके, छोटे मोटे आप ऑफिस के वर्क भी कर सकें। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे लेटर तैयार करना, दस्तावेज बनाना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे कहलाते हैं जनरल पर्पज। यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो हो गए, एक हो गया स्पेशल पर्पज, दूसरा हो गया जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं और जनरल पर्पस सामान्य वर्क के लिए बनाए जाते हैं, डेली रूटीन के जो भी वर्क हैं आप उनको जनरल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। एक बार देख लें, कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों के नहीं आए हैं। अभी तक तो कोई क्वेश्चंस आप लोगों के दिख नहीं रहे हैं, नहीं अभी तक तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला टाइप्स जो है वो कार्य प्रणाली के आधार पर, मैकेनिज्म और इसकी जो टेक्नोलॉजीज है उनके आधार पर कंप्यूटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये आई होप जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन का कलर बदल दे रहे हैं जिससे आपको चीजें साफ साफ दिखाई दे।
अब कार्य प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी एनालॉग कंप्यूटर, और उसके बाद हम लोग को है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं वो चीज समझिए। कोई भी भौतिक राशि है उसका मेजरमेंट करने के लिए जो भी कंप्यूटर बनाए गए हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। भौतिक मात्रा, जैसे प्रेशर मापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए, हाइट मापने के लिए, इन सब के लिए जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे हमारे एनालॉग। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर कभी भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकते, वो आपको जब बताएंगे तो अप्रॉक्स बताएंगे लगभग के केस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग जो टू व्हीलर गाड़ियां चलाते हैं उसमें भी देखिए एक मीटर बना होता है, उसमें सुई लगी होती है जो सुई बताती है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो वहां पर वो जो सुई है आप उसको एग्जैक्ट कभी मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना है, वो 40 और 45 के बीच में भी 42 हो सकता है, 43 हो सकता है। ठीक, कुछ जगह आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में ओल्ड मीटर होता है जो बताता है कि वोल्टेज कितना है, तो वो अभी एक प्रकार का एनालॉग। ठीक है, कोई लंबाई नापनी है आपको एक स्केल दे दिया गया, यानी एक पटरी दे दी गई, उससे आप नाप रहे हैं। ठीक, वह देखिए एक प्रकार का एनालॉग के कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो इसके द्वारा जो है हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर। पहले जो है थर्मामीटर एक आता था जो पारे वाला होता था, अभी भी आता है, आप डॉक्टर लोगों के पास देखेंगे पारा उस पर होता है, तो वो पारे से उसका मेजरमेंट किया जाता है कि कितना डिग्री फीवर है या नहीं, टेम्परेचर क्या है। ये सारे हमारे एनालॉग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि ये कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताते। कुछ गाड़ियों में देखिए अभी नए डिजिटल मीटर आए हैं, तो मीटर आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 32 है, 34 है, 38 है, 40 है, 41.2, जो भी है एक्स वाई जेड, वो सारी चीज आपको वहां पर क्लियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण, एक पेट्रोल पंप पर एक लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में उसको दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। आप लोग देखे हैं कि ये सारे हमारे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल क्या है वो चीज समझिए। डिजिट का अर्थ होता है गणना करना, डिजिट का अर्थ होता है अंक, डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करना के लिए बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को, यानी जो भी डाटा और प्रोग्राम इनपुट किया जा रहा है उसको जीरो और वन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो भी डाटा उसको मिलेगा डिजिटल कंप्यूटर को उसको जीरो और वन के रूप में कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका उपयोग व्यापार में, बिजनेस में, घर का बजट तैयार करने में, लेटर लिखने में, चित्र बनाना, संगीत सुनाना, फोटो वीडियो देखना, गेम खेलना आदि में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं। ये कंप्यूटर 100% शुद्धता यानी एक्यूरेसी के साथ बनना। ठीक, तो ये हमारे डिजिटल उपकरण कहलाते हैं जो जीरो और वन के कॉन्सेप्ट पर काम करें, गणना के लिए बनाए जाते हैं। इनका एक जनरल एक उद्देश्य क्या होता है, घर पर कोई बजट तैयार करना है, लेटर तैयार करना है, ये सारे। वास्तव में देखा जाए तो आज के समय जितने भी कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर, चाहे वो टैबलेट हो छोटा ना, एक स्मार्टफोन भी डिजिटल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पर ही चलता है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मिनी डेस्कटॉप हो या कोई लार्ज डेस्कटॉप हो, ये सारे डिजिटल उपकरण ही हैं, डिजिटल के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अगला, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों के फीचर्स हों, जो एनालॉग का भी मेजरमेंट करें और डिजिटल का भी मेजरमेंट करें, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं।
एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग के कॉन्सेप्ट पर चले और डिजिटल के कॉन्सेप्ट पर चले, या एनालॉग कंप्यूटर कर सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य में किया जाता है। अब कार्य और क्षमता के अनुसार देखें, आप कार्य और क्षमता के अनुसार कंप्यूटर कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी तक। कार्य और क्षमता के अनुसार सबसे पहला कंप्यूटर हम लोगों का होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। इसका नाम ही है सुपर, सुपर का मतलब मोस्ट पावरफुल। ठीक, सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। इनकी स्पीड भी सबसे ज्यादा है और इनकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है, जितना बड़ा आप लोगों का रूम है लगभग लगभग उतने बड़े रूम के आकार का भी ये होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे अधिक होती है। इनमें कई सीपीयू एक साथ समांतर क्रम में कार्य करते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप है ना, तो ये एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ऐसे 40,000 लैपटॉप को एक साथ अगर देखा जाए तो उसकी जितनी कैपेसिटी है प्रोसेसर की, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी एक सुपर कंप्यूटर की होती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कंप्यूटर कितने फास्ट काम करते होंगे, कितने ज्यादा डाटा का प्रोसेस एक साथ कर सकते होंगे, यानी इसका 40,000 गुना ज्यादा इफिशियंट होते हैं ये सारे कंप्यूटर। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है, इसका मेजरमेंट यूनिट है मेगा फ्लॉप, जिसमें इसकी गति यानी स्पीड को मापा जाता है। जो हमारे सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को मापा जाता है गीगा हर्ट्स, जिसका सिंबल होता है जी एच और जेड, इस तरीके से गीगा हर्ट्स। ये हमारे सामान्य कंप्यूटर के बारे में है जो हम लोग डेस्कटॉप लैपटॉप चलाते हैं। लेकिन जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं इनकी स्पीड मेगा फ्लॉप में। अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, इसका मतलब इसमें पूरी दुनिया का रेंज शामिल किया गया है, यानी विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वो है साइबर प्रे, जो 1979 में बनाया गया, 1979 साइबर प्रे। अक्सर ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा गया तो आप बताएंगे साइबर। दूसरा है पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, यानी भारत में बनाया जाने वाला पहला सुपर कंप्यूटर वो है परम, जो कि 1995 में बना। ये बात हो गई सुपर कंप्यूटर के बारे में, ये हमारे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं और सुपर कंप्यूटर की स्पीड वगैरह के बारे में जानकारी। अब सुपर कंप्यूटर के बाद अगला कंप्यूटर हम लोगों का होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी ये जो चित्र दे रखा है चित्र को हम हटा दे रहे हैं आपको, भी जो उसके बाद हम सारे कंप्यूटर्स के चित्र ऑनलाइन दिखाएंगे कि सारे कंप्यूटर की स्पीड कैपेसिटी कैसी है और उनका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं लेकिन मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सुपर कंप्यूटर से जो छोटा है यानी दूसरे नंबर पर बड़ा कंप्यूटर जो है वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और इनकी कीमत भी सुपर कंप्यूटर से कम और मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से कम होती है और मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये लगातार काम करने में सक्षम होते हैं, इन पर अनेक यूजर एक साथ काम करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है एक समय एक ही लोग चला पाते हैं, जनरली यही होता ना, अगर जिसमें आप अपना लैपटॉप चला रहे हैं अगर आपका साथ का कोई बच्चा सोचे कि हमें भी उस लैपटॉप को सेम उसी टाइम चलाना है तो क्या वो उसको ऑपरेट कर सकता है? नहीं ऑपरेट कर सकता है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा है कि एक ही कंप्यूटर पर एक ही साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है कीबोर्ड प्लस माउस प्लस कीबोर्ड सॉरी मॉनिटर, मॉनिटर कीबोर्ड और माउस का जो समूह है उसे टर्मिनल बोला जाता है। एक ही सीपीयू से कई सारे टर्मिनल जुड़ सकते हैं,
एक सीपीयू बनाया गया, उसे ढेर सारे मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जोड़ दिया जाए। अब सब लोग अपने 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 कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट सारा प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सारा डाटा उस मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही आके स्टोर हो रहा है। काम भले तीन लोग चार लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, या जितने छह उतने लोग अलग अलग तरीके से अपना टर्मिनल बना के काम कर रहे हैं, लेकिन सबका डाटा एक ही कंप्यूटर में आकर स्टोर होता है। ठीक, एक ही सीपीयू उनके लिए वर्किंग करता है, वो हमारे कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद जो तीसरा कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या है, इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से काम करते हैं। जितने बड़ी एक छोटी अलमारी, उतने बड़े हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से अच्छे होते हैं। इनकी डाटा ट्रांसफर जो रेट है वो 40 लाख BPS होती है। अब यहाँ BPS का मतलब ये होता है बाइट पर सेकेंड, BTS का मतलब होता है बाइट पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 40 लाख बाइट्स डाटा की प्रोसेसिंग होती है। सुना रहा ना, 40 लाख डाटा की ट्रांसफर होते हैं, तो इनकी स्पीड काफी अच्छी है। 40 लाख BPS काफी अच्छी स्पीड मानी जाती है। प्रारंभ मिनी कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क के लिए बना डिजाइन किए गए, जैसे इंजीनियरिंग का काम करना है, कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग करनी है। वास्तव में एक नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि मिनी कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस कम हो गया, लेकिन अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, 4i7 के हो गए, जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं, ये सारे इतने पावरफुल हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर हैं लेकिन इतने पावरफुल हैं कि जिनकी क्षमता एक मिनी कंप्यूटर के बराबर हो जाए। ठीक, तो ये तरीका हो गया पावरफुल कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में जानकर। अब सबसे अंत में हम लोग को जानना है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या है उसके बारे में। तो देखिए, जितने भी डेस्कटॉप या लैपटॉप आपके सामने हैं, जो भी माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो भी छोटे बड़े कंप्यूटर हैं आपके सामने, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो, ये सारे आपके जो है एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर ही कहे जाते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है बाकी कंप्यूटर की अपेक्षा। ठीक, तो ये सारे हमारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। हमारे जितने भी डेस्कटॉप हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब इन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। हम लोग आ जा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू अपने गूगल के स्क्रीन पर, और यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स के बारे में आप लोगों को हम दिखा दें कि कंप्यूटर होते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। आप देखें सुपर कंप्यूटर यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर ही देखिए आप सुपर कंप्यूटर कितने बड़े 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 साइज के दिखाएगा। ठीक, ये सारे कंप्यूटर हैं, ये पूरे जो है सुपर कंप्यूटर ही हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साइज में ये। अच्छा, तो अपने भारत का बना हुआ जो है सुपर कंप्यूटर अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है परम कंप्यूटर के बाद। देखिए चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका परम कंप्यूटर कितना बड़ा साइज का है, कितनी अच्छी इसकी कैपेसिटी होगी। देखिए इसमें कितने सीपीयू लगे हैं, मतलब एक इंसान की हाइट से भी बड़े कंप्यूटर ये हैं हमारे परम कंप्यूटर। इस तरह आप देखेंगे इंटरनेट पर भी इमेजेज उपलब्ध हैं, आप जिस कंप्यूटर के बारे में समझें जानना चाहेंगे वो सारे कंप्यूटर आपके नेट पर उपलब्ध हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ये देखिए कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आईबीएम का बनाया हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देखिए इतने इतने साइज के मेन फ्रेम कंप्यूटर। सोचिए कि यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है इतना बड़ा साइज, इसलिए बताया गया कि एक अलमारी की साइज का अलग अलग होता है। तो आप देखें कि इसकी अलमारी इसकी साइज लगभग लगभग एक अलमारी के बराबर होती है। ठीक, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सारे आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मेन फ्रेम के बाद अब तीसरा जो आता है कंप्यूटर, वो मिनी कंप्यूटर भी देख लीजिए, मिनी कंप्यूटर कैसे हैं। ये आप लोगों के सामने जो कुछ भी दिख रहा है ये सारे मिनी कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए कुछ चीजें बताई गई हैं। इमेज ठीक नहीं, क्लियर नहीं दिखेगा आप लोगों को। देखिए डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, हाइब्रिड हो गए, ठीक, टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सब इसी कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो आजकल माइक्रो कंप्यूटर इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो मिनी कंप्यूटर की आज की समय में जरूरत ही नहीं है। एक तरीके से मिनी कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा कैपेसिटी के माइक्रो कंप्यूटर आज के समय में मार्केट में उपलब्ध है। ठीक, तो ये तरीका हो गया जो है आज का क्लास, जिसमें हम लोग मिनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखा। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिव्यांशी सिंह का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का यूज इस प्रेजेंट टाइम में भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। सुपर कंप्यूटर का यूज एक इंसान अपने खुद के यूज के लिए नहीं करता है, वह सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, इन सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आज का टॉपिक था जो कि सुपर कंप्यूटर पर आधारित, सॉरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर आधारित था। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस अगर हो, डाउट्स हो, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस नहीं है अभी आप लोगों के माइंड में कोई, तो कोई बात नहीं, नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन जितना नोट्स आप लोगों को दिया जा रहा है, कम से कम उन नोट्स को आप प्रिपेयर करें और उन नोट्स को देखें। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। कल फिर नेक्स्ट डे का हम लोग क्लास सीखेंगे इसके आगे का टॉपिक।